Welcome friends, I welcome on you my YouTube channel Technical Study Number 1. मेरे YouTube channel Technical Study Number 1 में आपका स्वागत है. आज हम study करेंगे universal gates, NAND gate. Okay, NAND और NOR दो universal gate होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम NAND gate study करेंगे. तो simply आप देखो यहाँ पे एक IC दिखा रखा दी हुई है. हमने 7400 आईस यूज किया है, वो जो नैंड गेट के लिए होती है. और नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है. यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इसे आप जितने भी बाकी सारे गेट हैं ना वो बना सकते हो. ठीक है, वी कैन डिजाइन ऑल गेट्स बाय दिस यूनिवर्सल गेट. सो हियर यू सी ए डॉट, आईसी पे आपको यहाँ पे डॉट मिलेगा. तो जहाँ पे डॉट होगा ना वहाँ से आपको पिन वन काउंट करनी है. ठीक है, या उसको आपको नंबर आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो तो वहाँ से हम पिन वन लेफ्ट साइड से पिन वन काउंट करेंगे. ठीक है, पिन 1 to 7 और 8 to 14. ठीक है, ये 14 पिन आईसी होती है जिसमें आपकी पिन नंबर 7 ग्राउंड होती है, यानी आप यहाँ पर नेगेटिव लगा दोगे सप्लाई का, और पिन नंबर 14 होती है प्लस सप्लाई. ठीक है, अब आप इनपुट कहाँ पे दोगे और आउटपुट कहाँ से लोगे देख लेते हैं हम. ये जो है ना फर्स्ट टू पॉइंट है, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ दिखाया हुआ ना टेबल में 0 1 1 पे ए डाल दोगे, 1 पे बी डाल दोगे इनपुट. ठीक है, फिर आप तीसरी से ले लोगे. ये बेसिकली इस टाइप से होता है, नैंड गेट है ना, यहाँ पे बना होता है नैंड गेट. ये नैंड गेट का सिंबल है, आईसी के अंदर बना होता है ये. ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपके आउटपुट. ठीक है, तो एक नैंड हो गए. ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट 4 5 पे आप इनपुट डालोगे और 6 से आउटपुट ले लोगे, ये दूसरा गेट हो गया. ऐसे ही इधर है, इन 3 से एक गेट बन जाएगा और फिर इन 3 से गेट बन जाएगा, यानी 7400 आईसी जो है उसके अंदर 4 गेट होते हैं. ठीक है भाई, पिन नंबर 7 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 14 को 14 को आप सप्लाई दोगे. ठीक है, और फिर ये क्या होता है, ये नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का उल्टा होता है. एंड गेट में ए डॉट भी होता है, मतलब जो आपने इनपुट दिया है उन दोनों की गुणा होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होता है उस गुणा का उल्टा होगा नैंड गेट में. तो मैंने किया 0 गुणा 0, 0 होना चाहिए ना, लेकिन उसका बार दिया हुआ है, नैंड गेट है उसका उल्टा करना है. तो 1 0 into 1 0, लेकिन उसका उल्टा 1 बार दिया हुआ ना. तो ये टेबल आपकी, ठीक है, ये टेबल हम इसको वेरीफाई करेंगे. अब हम चलते हैं अपने सर्किट पे. देखो मैंने सर्किट में क्या बताया हुआ, पिन नंबर 7 ग्राउंड की हुई है और पिन नंबर 14 को सप्लाई दी हुई है. तो देख लेते हैं, ये देखो वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट प्लस और ये ग्राउंड है. ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट जो लिया हुआ ये जा रहा है पिन नंबर 14 पे. ये देखो ये डॉट है, यहाँ से मैंने पिन 1 काउंट की हुई है, 1 से 7, तो उधर 8 9 10 यहाँ पे आ गया. ये जो है यहाँ पे पिन नंबर 14 है ये. ठीक है, ये वाली यहाँ पे जो सप्लाई लगी हुई है, ये वाली लास्ट वाली. ठीक है, और पिन नंबर 7 को मैंने नेगेटिव दिया हुआ है इस वायर के थ्रू, ये आ गया नेगेटिव यहाँ पे. ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया था आपको कि पहली और दूसरी पे हम इनपुट डालेंगे. आप कोई भी गेट यूज़ कर सकते हो इन चारों में से. ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस. तो मैंने यहाँ से डाल दी लॉजिक, ये 0 लॉजिक 0 1, ये स्विच है यहाँ पे जो सेट करेगा अपन इनपुट को. तो ये मैंने पिन नंबर 1 पे डाल दी और ये दूसरी मैंने डाल दी पिन नंबर 2 पे. ठीक है, और पिन नंबर 3 आउटपुट है अपनी, तो ये आउटपुट इस वायर के थ्रू LED पे लगी हुई है. LED हम अपनी यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं, हम वेरीफाई इसके ट्रुथ टेबल. तो मैंने जैसे ही किट ऑन की, ठीक है, अब आप देखो हमारी क्या थी यहाँ पे 0 into 0, उसका बार क्या होता है 1 हो गया ना, 0 गुणा 0 और उसको उल्टा 1. ठीक है, तो 1 आ रहा है टेबल में. तो यहाँ पे देख लो हमने क्या किया हुआ, 0 और 0 दोनों इनपुट हमारे 0 पे हैं, तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, देखो दोनों 0 पे है हमारी इनपुट, आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, बढ़ रही है, तो मतलब वो ग्लो कर रही है, तो दैट मीन्स 1. ठीक है,
उसके बाद जैसे मैं अगला चेंज करता हूँ 01, तो वहाँ पे भी 1 आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये 0 पे रहेगी और इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 × 1 0, ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0 × 1 0 होना चाहिए, बट हमारे आउटपुट आ रही है 1, ठीक है। तो ये एक नैंड ऑपरेशन है जो एंड का उल्टा देगा। उसके बाद मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, तब भी हमारे आउटपुट क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। लेकिन जब मैं दोनों को 1 1 कर दूंगा, ये भी 1 है हमारी, ये भी 1 है, 1 × 1 1, और उसका उल्टा क्या होगा, 0। तो वहाँ पर कोई LED नहीं जल रही। तो ये नैंड गेट हमने स्टडी किया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हो मैंने IC कौन सी यूज की हुई है, ये देखो GD74 कुछ करके लिखा हुआ है, बट आपको नंबर नंबर देखने हैं, 7400, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।